टॉप 5 फास्टेस्ट हेडशॉट ट्रिक। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसे 5 हेडशॉट ट्रिक बताने वाला हूं जो बड़े बड़े लेजेंड प्लेयर्स यूज करते हैं। और ये ट्रिक्स इतना ज्यादा इजी है कि एक नूबड़ा भी इन सारे ट्रिक्स का यूज करके बहुत ही आराम से हेडशॉट मार सकता है। और ये सारे ट्रिक्स आप लोग डेजर्ट ईगल एमोनेटेड 7 UMP जैसे गन में यूज कर सकते हो। अब देखो वीडियो में ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी बंदे ये वीडियो को देख रहे हो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पे मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, जाके मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों से बस इतना सा ही छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो फिलहाल के लिए चलो आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीट डाउन हेडशॉट ट्रिक। तो गाइस ये ट्रिक ज्यादातर पागल एम10 उसके गेम प्ले में यूज करता है, इसके अलावा भी और भी सारे प्रो प्लेयर्स यूज करता है। तो गाइस देखो ये ट्रिक यूज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग किसी भी बंदे को हेडशॉट मारने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, गन स्विच करते हो। तो गाइस यहाँ पे भी सेम चीज है, आपको यहाँ पे गन स्विच करना है, मतलब गन को हाथ में लाना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे बैठ जाना है, मतलब आपको यहाँ पे सीट वाले बटन को प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका कैरेक्टर यहाँ पे बैठ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे आपका जो एम है, आपका एम को रेड करना है, लेकिन एनिमी के चेस्ट में, ठीक है ना। ध्यान रखे आपका एम एनिमी के चेस्ट में रेड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप में करना है, यहाँ पे आपको ड्रैग करना है। अब देखो यहाँ पे आपको एनिमी के पोजिशन के हिसाब से ड्रैग करना है। तो यहाँ पे आप लोग चाहे रोटेशन ड्रैग यूज कर रहे हो या फिर स्ट्रेट ड्रैग यूज कर रहे हो, वो चीज डिपेंड करेगा एनिमी के पोजीशन के ऊपर। अब देखो जैसे ही ड्रैग कर रहे हो तो उसी मोमेंट पे आपको जॉयस्टिक बटन को पीछे की तरफ खींच के लाना है, तो आपका जो सीट डाउन हेडशॉट है बहुत ही आराम से वर्क कर जाएगा। शायद आप लोग समझ नहीं पाए हो तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं। तो गाइस देखो जैसे ही आपको एनिमी दिख जाए तो वहां पे सबसे पहले आपको गन को हाथ में लाना है, फिर आपको यहाँ पे सीट वाले बटन को प्रेस करना है, फिर आपको एम को एनिमी के चेस्ट में लॉक करना है, फिर आपको यहाँ पे फायर करना है, और फायर करने के मोमेंट पे आपको जॉयस्टिक बटन को पीछे की तरफ खींच के लाना है। तो इस ट्रिक के जरिए से आप लोग इजीली एनिमी को हेडशॉट मार सकते हो। अब देखो ये ट्रिक आप लोग ज्यादातर M1887 या फिर डेजर्ट ईगल जैसे गन में यूज करना, क्योंकि ये दोनों गन में ये ट्रिक सबसे ज्यादा वर्कफुल होता है। व्हाइट एम हेडशॉट ट्रिक। अब देखो ये ट्रिक यूज करने के लिए आपको कुछ चीजें समझना है। जैसे सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि यहाँ पे आपको पोजीशन समझना है, मतलब आपका जो पोजीशन है, आपका कैरेक्टर का पोजीशन यहाँ पे लेफ्ट साइड में होना चाहिए, और जो एनिमी के कैरेक्टर का पोजीशन है वो यहाँ पे राइट साइड में होना चाहिए। अब देखो सेकेंड चीज जो आपको समझना है वो है कि यहाँ पे आपका एम व्हाइट होना चाहिए। अब थर्ड जो चीज आपको समझना है कि यहाँ पे आपको राइट साइड रोटेशन रैक का यूज ऑलवेज करना है। तो गाइस ये तीन चीज अगर आप लोग समझ गए तो अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग ये वाले वीडियो क्लिप को देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा कैरेक्टर है उसका पोजीशन यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, और जो यहाँ पे एनिमी का कैरेक्टर का पोजीशन है वो यहाँ पे राइट साइड में है। अब देखो यहाँ पे जो मेरा एम है, मेरा एम अभी तक व्हाइट है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ही राइट साइड रोटेशन रैग का यूज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा हेडशॉट कितना आराम से वर्क कर गया। तो मैं आपको एक और वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोग ये वाले वीडियो क्लिप में भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा कैरेक्टर है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, और एनिमी का जो कैरेक्टर है वो राइट साइड में है, और यहाँ पे जो मेरा एम है, मेरा एम अभी तक व्हाइट है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं राइट साइड रोटेशन रैग यूज करूंगा, और देखो जैसे ही मैं यहाँ पे राइट साइड रोटेशन रैग यूज करता हूँ तो मेरा हेडशॉट कितना आराम से वर्क कर गया। तो गाइस ये ट्रिक आप लोग सिर्फ UMP जैसे गन में यूज करना, क्योंकि UMP जैसे गन में ये ट्रिक सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। सेकेंड फायर हेडशॉट ट्रिक। तो गाइस ये ट्रिक इतना ज्यादा ओपी है कि आप लोग सोच नहीं पाओगे। अब देखो इस ट्रिक के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई एनिमी दिख जाए तो वहां पे सबसे पहले आपको यहाँ पे नूब वॉक करना है, ठीक है ना। देखो एनिमी जब तक आपके ऊपर फायर ना करे तो आपको फायर नहीं करना है, आपको वेट करना है कि एनिमी आपके ऊपर फायर करे, तब तक आपको यहाँ पे जॉयस्टिक बटन का यूज करके नूब वॉक करना है। अब देखो जैसे ही एनिमी फायर करेगा तो उस मोमेंट पे आपको फायर करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों, देखो गाइस एनिमी जब भी फायर करेगा तो उसका कैरेक्टर क्या होगा, स्टील खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जब भी फायर करते हो तो आपका कैरेक्टर एकदम स्टील पोजीशन पड़ा आ जाता है। तो आपको पता ही है कि फ्री फायर में अगर कोई बंदा स्टील खड़ा होगा तो एक नूबड़ा भी उसको हेडशॉट मार सकता है। तो गाइस इसलिए ये सेकेंड फायर हेडशॉट ट्रिक इतना ज्यादा ओपी लेवल का है कि हर एक बंदा इस ट्रिक का यूज करता है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले फायर नहीं करना है, आपको वेट करना है तब तक जब तक एनिमी आपके ऊपर फायर ना करे। जैसे ही एनिमी
कहीं आपके ऊपर फायर करेगा तो उसी मोमेंट पे आपको हेडशॉट मारने के लिए फायर कर देना है। तो गाइस देखो, आप लोग ये ट्रिक का यूज कोई भी गन में यूज कर सकते हो, डेजर्ट ईगल, M1887, EOMP, सारे गन में आप लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, सारे गन में ये ट्रिक वर्कफुल है। जंप हेडशॉट ट्रिक। तो गाइस ये ट्रिक सबसे पहले आप लोग क्लोज रेंज में यूज करना, क्योंकि ये ट्रिक लॉन्ग रेंज के लिए नहीं है, ये ट्रिक एकदम क्लोज रेंज में है। तो अगर आप लोग किसी भी बंदे के साथ क्लोज रेंज फाइट कर रहे हो तो वहां पे आप लोग इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो गाइस यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको भाई रनिंग मूवमेंट पे रहना है, मतलब आपको कैरेक्टर को भगाना है। तो गाइस जब आप लोग रनिंग मूवमेंट पे रहो और आपको एनिमी दिख जाए तो उस वक्त में आपको क्या करना है, उस वक्त में आपको जंप करके गन स्विच करना है। अब देखो, जैसे ही आपका कैरेक्टर हवा में रहेगा ना, तो उसी मूवमेंट पे आपको यहाँ पे फायर कर देना है। भाई एक चीज का ध्यान रहे कि आपका कैरेक्टर जमीन को टच नहीं करना चाहिए। अगर आपका कैरेक्टर जमीन को टच कर जाएगा और उसके बाद आप लोग फायर करोगे तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। तो गाइस मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले तो आपको रनिंग मूवमेंट पे रहना है, मतलब आप लोग एनिमी के सामने मूवमेंट कर रहे हो या फिर डॉज कर रहे हो, एनिमी के कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको जैसे ही एनिमी दिख जाए तो वहां पे आपको सबसे पहले जंप करके गन स्विच करना है। अब जैसे ही गन स्विच हो जाता है तो उसी मोमेंट पे, मतलब आपका कैरेक्टर हवा में रहेगा तो उसी मोमेंट पे आपको फायर कर देना है, तो आपका हेडशॉट बहुत ही आराम से वर्क कर जाएगा, लेकिन आपका कैरेक्टर जमीन को टच नहीं करना चाहिए। अब देखो गाइस, ये ट्रिक आप लोग M1887 या फिर डेजर्ट ईगल गन में यूज कर सकते हो, लेकिन UMP के लिए ये ट्रिक नहीं है। फेक व्यू हेडशॉट ट्रिक। तो गाइस ये हेडशॉट ट्रिक आपका पूरा दिमाग हिला के रख देने वाला है। तो गाइस देखो, जब आपके साथ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि एनिमी भी ग्लोअल के अंदर है, आप लोग भी एक ग्लोअल के कवर में हो, तो वहां पे एनिमी को ग्लोअल से बाहर कैसे निकाले और उसको हेडशॉट कैसे मारे, तो उसके लिए आपको ये ट्रिक का यूज करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रनिंग मूवमेंट पे ग्लोअल से बाहर निकलना है। तो जब भी आप लोग रनिंग मूवमेंट पे ग्लोअल से बाहर निकलोगे तो वहां पे एनिमी सोचेगा कि उसके ऊपर आप लोग रश करने को आ रहे हो, लेकिन आपको रश नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको फिर से ग्लोअल के अंदर चले जाना है, बिल्कुल ऐसे करके। तो जैसे ही आप लोग ग्लोअल के अंदर चले जाओगे तो वहां पे एनिमी कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा कि शायद आप लोग उसके ऊपर रश करने वाले, तो वो एनिमी वहां पे बाहर निकल के फायर करना स्टार्ट कर देगा और आपको उसके बाद फिर से भाई रनिंग मूवमेंट पे ग्लोअल से बाहर निकलना है और फिर आप लोग इजिली उस एनिमी को हेडशॉट मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड फायर टेक्निक का ही यूज हो रहा है। मतलब वो एनिमी आपके ऊपर फायर करता रहेगा तो उसका कैरेक्टर स्टिल पोजीशन पे रहेगा, तो आप लोग थर्ड बार जब ग्लोअल से बाहर निकल के तो उसको हेडशॉट मारने जाओगे, वहाँ पे आप लोग बहुत ही आराम से हेडशॉट मार सकते हो। तो गाइस ये फेक व्यू आप लोग तब भी यूज करना जब ऐसा सिचुएशन आए कि एनिमी भी ग्लोअल के कवर में है या फिर किसी और के कवर में है और आप लोग भी किसी चीज के कवर के अंदर हो, तो उस सिचुएशन पे आप लोग ये वाले ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो गाइस ये 5 हेडशॉट ट्रिक में से आपका फेवरेट कौन सा था, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। और गाइस देखो, राइट साइड में आपको अपेला पाटो का मूवमेंट का ट्यूटोरियल वाला वीडियो मिल रहा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। और लेफ्ट साइड में आपको टॉप 5 मूवमेंट ड्रेसअप के ऊपर वीडियो मिल रहा है, अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो भाई जाके फटाफट देख लो, क्योंकि ये दोनों वीडियो इतना ज्यादा जबरदस्त है कि आप लोग सोच नहीं पाओगे।